हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी दो या तीन टॉपिक बचे होंगे और आज का हम टॉपिक कर रहे हैं प्रीपोजिशन। आपको कोई भी चीज़ कब समझ में आएगी? जब आपको उसका मतलब पता होगा, है ना। जैसे ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड, चाहे हिंदी में पढ़ लो चाहे इंग्लिश में पढ़ लो, बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जिनका हमें मतलब ही नहीं पता होता। तो उसके आगे हमें थ्योरी पढ़ने के लिए तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जब उस मतलब का ही हमें नहीं पता तो हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो जिस करके हमें जब भी कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? ऑब्वियसली आई एम राइट। तो आगे देखिए, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है। स्थिति से पहले यूज होता है ये, ठीक है। और ये कहता है कि नाउन और प्रोनाउन को दूसरी वर्ड या फिर फ्रेज कह दो या अदर सेंटेंस कह दो, उनसे रिलेट करने के लिए, मतलब रिलेशन बनाने के लिए उनसे क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का। तो आई होप प्रीपोजिशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। प्री प्लस पोजिशन, पोजिशन मतलब स्थिति, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैंने बहुत सारे लिखे हैं यहाँ पे, नंबर हटा देती हूँ क्योंकि आगे नंबर नहीं करी हुई मैंने। तो बहुत कुछ कवर कर लेंगे। जब जैसे बुक वगैरह ओपन करते हैं प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है ऐड आ गया यहाँ पे, बस बता दी कि ऐड यहाँ यूज होगा, एग्जाम्पल दे, खत्म कहानी, ठीक है। हमें पता ही नहीं ऐड का यूज कहाँ करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो ये चीजें हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम्स आते हैं उनमें भी हमें दिक्कत देती है, बोर्ड एग्जाम्स में भी हमें दिक्कत देती है। तो आज हम ये सब क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब तो समझ गए होंगे कि स्थिति बताएगा प्रीपोजिशन, ठीक है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, कहाँ आगे जो वर्ड या सेंटेंस जो भी दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखा है मैंने बिटवीन। नॉर्मली अगर हम इसका मतलब निकालें तो हम कहते हैं कि बीच में दो चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, इसका यूज़ ज़्यादा चीज़ों के लिए भी हो सकता है, पर वो कन्फर्म होनी चाहिए, उनका आपसी रिलेशन होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। अमाउंट का भी हम यही यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के मध्य, मतलब बीच में दो या दो से अधिक चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी नैम वगैरह आ जाता है, तो उनके पहले हम अमाउंट का यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ देखिए, जब तक हम कोई सेंटेंस में इन वर्ड का यूज़ नहीं देखते तब तक हमें नहीं पता चलता कि इनका यूज़ कैसे होगा। तो चलिए, देयर इज ए अलायंस। अलायंस होती है संधि, समझौते वगैरह होते हैं, वो अलायंस होती है बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशंस। तो यहाँ पे कन्फर्म है कि थ्री यूरोपियन नेशंस के बीच में रिलेशन है, इसलिए वहाँ पे कोई जो अलायंस है वो करी गई है। तो यहाँ पे प्रोनाउन प्रीपोजिशन क्या हो गया, बिटवीन। तो बिटवीन देयर इज एन अलायंस, को किससे जोड़ रहा है, थ्री यूरोपियन नेशंस से जोड़ रहा है। तो आई होप बिटवीन का समझ में आया होगा। जैसे ही सिट्स बिटवीन अस, कि हम दोनों के बीच में बैठता है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में मान लीजिए या कहीं भी मान लीजिए, है ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लेके जाना, नॉर्मली था। आगे देखिए, आर्क्स वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द बेगर्स, मतलब बेगर्स वो होते हैं, भिखारी वो होते हैं। तो ये जो भिक्षा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, द बेगर्स में। तो देखिए, नाउन का रिलेशन करा कि नहीं करा दूसरे सेंटेंस से, आया होगा समझ में। यहाँ पे कंफर्मेशन ही है, ना रिलेशन है बेकर से, तो हमने यहाँ यूज कर दिया अमाउंट। आई होप दोनों के यूज आपको समझ में आए होंगे। अब बात आती है फोर की। फोर और सिंस, हमें पता है कि फ्यूचर में आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, सब में, कौन से में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। वैसे के लिए मतलब कहते हैं ना, इट इज़ फॉर मी, ये मेरे लिए है, ठीक है, तो वहाँ भी फॉर का यूज होता है। अब देखिए, जहाँ शुरुआती समय दिया हो, ठीक है, कोई अवधि बताई गई हो, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा वो वक्त, ठीक है। जैसे लास्ट टू ईयर्स, तो हमें नहीं पता लास्ट टू ईयर्स कब की बात हो रही है,
ठीक है, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, व्हाटएवर। और ये जो सिंस है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और कहां डेट्स आ जाएगी तब भी इसी का यूज करेंगे, डेज आ जाएगा तब भी इसका यूज करेंगे, ईयर्स आ जाएगा तब भी इसका यूज करेंगे, ओकेजंस के लिए भी पार्ट ऑफ टाइम जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, व्हाटएवर, मंथ्स, क्लॉक, स्टेट्स ऑफ लाइफ, इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। ठीक है, अब यूज देते हैं इनकी। शी हैज बीन लिविंग फॉर 10 years, वो 10 years से वहां रह रही है, मतलब कंफर्म है 10, कंफर्म है मैम 10 सालों से रह रही है, लेकिन ये पता है कौन से 10 साल, नहीं पता, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या देखिए 4 का, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सिंस ही ड्रोव रैकलेसली ही मैच विद एन एक्सीडेंट, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से बेतहाशा ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तो भाई एक्सीडेंट तो होना ही था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस मैम यहाँ कौन सा टाइम आ गया, आपने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने यूज किया, तो यहाँ कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो सिंस का यूज जैसे हम बोलते हैं ना मैथ में भी आती है चूंकि या क्योंकि या जो कि वॉट एवर। ठीक है, कि जैसे वो बेतहाशा अपनी कार चला रहा था इसलिए, क्योंकि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि वो बेतहाशा अपनी कार चला रहा था, मतलब इस अर्थ में भी सिंस का यूज होता है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009। ठीक है, उसने उसे कब से नहीं देखा, 2009 से, तो अब तक मना क्यों नहीं है ना, मतलब उसने उसे नहीं देखा, सॉरी मैंने नहीं देखा, मैं तो क्यों मरूं, अभी उम्र थोड़ा हो गई, मैंने नहीं देखा। ठीक है, चलो अक्रॉस और थ्रो, अक्रॉस में से गुजरना, उस तरफ जाना, इनका यूज मोस्टली सब लोग सेम तरीके से करते हैं। अब देखिए कोई चीज दोनों तरफ हो तब किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का, अपोजिट साइड हो तब भी किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का। थ्रो का मतलब कोई चीज किसी के अंदर से होके गुजर रही है तब हम थ्रो का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, उसको तैर के पार किया या उसके अंदर से पार हुए, नहीं तैर के पार की, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड गए हो ना, है ना, या तो चल के जाते हैं या फिर तैर के जाते हैं, उनके ज्यादा वोट आया तो वो क्या हो जाएगा, अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, अक्रॉस यूज होगा। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, जो टनल होते हैं ट्रेन के उसके अंदर से गुजरती है ट्रेन, आई होप समझ में आया, तो किससे गुजरी, टनल से। नेक्स्ट, ऑन अपर और ओवर, देखो इनों का मतलब तो ऊपर होता है, तो मैम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, नहीं यहाँ हिंदी में अगर इनका मतलब देख के आप इनको यूज करते हो तो ये आपके लिए आपके मार्क्स डिटेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज देखिए आज आप, ऑन डे डेट सर्वे स्टेट, इन सबके साथ क्या यूज होता है, ऑन डे डेट सर्फेस स्टेट्स, इनके साथ क्या यूज होगा, ऑन मतलब कोई चीज किसी के सरफेस पे किसी के ऊपर, जैसे ये मार्क मेरे पाम के ऊपर, ठीक है, तो ये इसके उस सरफेस के ऊपर हुआ ना, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ऑन, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल की सरफेस पे है वो, तो हमने यहाँ पे ऑन यूज किया, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है, डेट आ जाती है कोई तो मई, जून, जुलाई, ये सब भी आता है तो अपॉन का यूज होता है। अपॉन मतलब मोशन में, कैसे मोशन में हम कह सकते हैं, अगर कोई चीज मोशन में ऊपर आती है तो उसको कहेंगे अपॉन, जैसे द कैट जंप अपॉन द रेत, किसके ऊपर गई, रेत के ऊपर, तो उसके ऊपर बैठी थोड़ी ना रहेगी वो, तो उसके पेट में जाएगा ना, तो मोशन में उसके ऊपर तो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और मतलब कोई चीज हमारे ऊपर होती है लेकिन हमारे हमसे टच नहीं होती। ठीक है, जैसे द सॉरी वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, मतलब हमारे छत के ऊपर हमें एक रूफ की जरूरत होती है, सॉरी हमारे सर के ऊपर हमें एक रूफ की जरूरत होती है, तो क्या यूज हुआ, ओवर, टच होना हो रही है हमारे सर से, हमारे हेड से रूफ, नहीं
यहाँ क्या है इसके और नेक्स्ट अंडर एक कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल तो नीचे जो बैठी है तो वहां पे हमने फिर पोजीशन क्या यूज कर दी अंडर देखिए टेबल नाउन हो गई सिटिंग एक कैट से रिलेटेड एक कैट कहाँ है उसकी पोजीशन बता रही है उसकी स्थिति बता रही है तो पोजीशन भी यूज किया हमने बीच में आने वाला वर्डिंग क्या होते हैं प्री पोजिशन नेक्स्ट देखिए इन इन टू एट एक ओन टू भी होता है ठीक है किसी के जंप करके उसकी सरफेस पे जाके बैठना ऑन टू हो जाता है ऑन टू भी है ठीक है जैसे इनका यूज कहाँ करते हैं मंथ ईयर इनके नेम आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं इनका और इनका और एट का यूज एक देखिए कहाँ होता है इन और एट में कंफ्यूजन होती है हमें ठीक है कोई जगह बता देते हैं तो इन और एन का दोनों का यूज होता है लेकिन अगर बड़ी जगह है तो हम इनका यूज करेंगे क्या बताया मैंने अगर बड़ी जगह है तो हम इनका यूज करेंगे छोटी है तो हम किसका यूज करेंगे एट का जैसे ही लिव्स एट मुखर्जी नगर ठीक है तो मतलब दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर है ठीक है तो वो छोटा हुआ दिल्ली से तो छोटा ही है तो हमने क्या यूज किया वहां पे एट और दिल्ली के लिए हमने क्या यूज किया इन तो इस एक ही सेंटेंस में हमें इन और एट दोनों की यूज देख लिए और किसी के अंदर होना में ठीक है किसी के अंदर है तो हम क्या यूज कर लेंगे इन जैसे आई एम इन द क्लासरूम मैं क्लासरूम में थी या हूँ ठीक है एट का देखिए एग्जैक्ट टाइमिंग अपन को दे दी जाए कि 7 o'clock ठीक है तो एट 7 o'clock आएगा ठीक है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आवर में दे दी जाए तो हम वहां पे एट यूज करते हैं तो आई होप वो भी आपको समझ में आ गया होगा द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर अब वो जंप करके उसके अंदर गया है रिवर के अंदर है ना मतलब मोशन ये दोनों ही कहा मोशन के लिए यूज होंगे ठीक है एक तो उस सरफेस के ऊपर जाना ऑन टू और किसी के अंदर जाना जैसे शी इज कमिंग इन टू द क्लासरूम कि वो रूम के अंदर आ रही है ना मतलब वो मोशन में है तो वो अंदर आ रही है और वो है तो इन ठीक है नेक्स्ट देखिए बाय और विथ बाय का मतलब के द्वारा ठीक है विथ का मतलब साथ अब इनका यूज देखिए द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विथ ए स्टिक साथ में या फिर से साथ में या से विथ का यूज होता है द स्नेक वॉज किल्ड बाय मतलब के द्वारा मारा गया था से थोड़ा मारा गया था कि अगर हम यहाँ यूज करते द स्नेक वॉज किल्ड विथ द मैन कि जो स्नेक है वो मैन से मारा गया ऐसा थोड़ा सुटेबल होता है के द्वारा मारा गया किसने मारा था उसको मैन ने मारा था विथ ए स्टिक किससे मारा था तो ये से के लिए हम क्या यूज करते हैं विथ नेक्स्ट देखिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ ये ध्यान रखिएगा डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता है अब देखिए इनका यूज इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो फेल हो गया ठीक है मतलब ये इन स्पाइट ऑफ इन दोनों के बीच को इन दोनों को रिलेट करने का काम कर रहा है वो फेल क्यों हुआ क्योंकि उसका वर्किंग हार्ड था उसके बावजूद भी वो फेल हो गया अब नेक्स्ट देखिए डिस्पाइट बीइंग रिच किस मतलब अमीर होने के बाद भी डिस्पाइट ऑफ बीइंग का मतलब कुछ हुआ नहीं तो बीइंग तो आई है जैसे पहले थोड़ा ना आई ऑफ देखिए वैसे भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी वो खुश नहीं है जबकि वो क्या है अमीर होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है तो आई होप आपको इन स्पाइट ऑफ के आगे ये एरर दिए जाते हैं डिस्पाइट ऑफ लिख दिया जाता है यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ लिख दे जनरली हम पढ़ेंगे तो हमें कोई मेजर मिस्टेक नहीं लगेगी डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच है ना मेजर नहीं लग रहा पर ये चीज एरर के रूप में दे दी जाती है अब यहाँ पे मैं ऑफ लगा दूँ तो वो एकदम गलत हो जाएगा
अब देखिए टू, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मतलब डेस्टिनेशन के लिए, किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए हमें क्या यूज करना होता है, टू का, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, ही हैज टू कम मी, उसे मेरे पास आना पड़ेगा, तो मतलब टू का यूज डेस्टिनेशन के लिए, मतलब उस तक जाने के लिए हम करते हैं। अप, अप टू डाउन, डाउन का मतलब नीचे होता है, ठीक है, और अप टू, अप का मतलब ऊपर, ठीक है। ही क्लाइम अप द ट्री, ही क्लाइम अप द ट्री, ठीक है। अप टू का मतलब देखिए तक, मतलब वो कहाँ तक पढ़ा है, अप टू क्लास टेंथ, अप टू क्लास ट्वेल्थ, अप टू ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। आई होप आप लोग को भी समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ अदर प्रीपोजिशंस है, जैसे ड्यूरिंग, मतलब के दौरान, कोई समय के दौरान, बी साइड, उसके एक तरफ, बिसाइड्स के अलावा, अबाउट, उसके बारे में, अलोंग, मतलब कोई चीज़ के, ये ऐसे समांतर चलते ना, तो अलोंग विथ मी, कि वो मेरे साथ साथ चल रहा था, टुवर्ड्स, उसकी तरफ, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले, टिल, अंटिल, कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, क्या, टिल एंड अंटिल, नेक्स्ट, अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसने ये किया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट उसने ये किया, तो यहाँ से समझ लीजिए उसने किया उसके अगेंस्ट, क्या, तो अगेंस्ट को इन अगेंस्ट दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। आई होप आज आपको प्रीपोजिशन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मेरा सब्जेक्ट मैंने ज्योग्राफी है, फिर मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश में भी है, तो मैं जो स्कूलिंग में मैं इंग्लिश ही टीच करवाती हूँ वहाँ पे, तो आई होप मैं ज्योग्राफी की भी वीडियोस लेके आऊँगी, और जो आपकी कंपटीशन लेवल में भी काम करेगी, और साथ में जो लीट और फर्स्ट ग्रेड के दे रहे हैं उनके लिए भी वो ज्योग्राफी बेनिफिशियल होगी। एक वीडियो तो मैंने बनाई, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, क्योंकि हम लिखते हैं सामने कोई बैठा होता है हमारे, तो वो हमें मिस्टेक बता देते कि मैम आपने वहाँ पे गलत लिख दिया है ना, तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग कोई भी मिस्टेक कर सकता है। सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।